मामला कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां एक अनुसूचित जाति की नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और कार्यवाही में जुट गई है। थाना क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अपनी तहरीर में लिखा है कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त है। गांव निवासी युवक रिहान पुत्र रिजवान ने इसी का फायदा उठाते हुए कई बार पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई है। दुष्कर्म का शिकार हुई युवती के पिता ने युवक पर आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया और विरोध करने पर जान से मारकर कब्रिस्तान में गाड़ने की भी धमकी दी है। साथ में यह भी बताया है कि उसके बेटे पर आरोपी द्वारा हमला करने का भी प्रयास किया गया है। युवती के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी रिहान पुत्र रिजवान अहमद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।